हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट वेलकम टू दिस ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास टुडे वे आर गोइंग टू स्टार्ट आ फर्स्ट लेसन डैट इज लेसन नंबर वन सब्जेक्ट हिंदी लेसन वन पार्ट एक आज का पहला लेसन शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जो है कविता जो आपकी किताब में आपके पाठ्य पुस्तक में टेक्स बुक में जो सरल हिंदी ज्ञान जो पाठ्य है टेक्सट बुक है आप देख सकते हैं पेज नंबर वन ओके यू कैन गो टू पेज नंबर वन एंड यू कैन सी हम सब सुमन एक उपवन के इस पोएम का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के इस कविता का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के वी ऑल आर फ्लावर ऑफ अ गार्डन इस कविता को पढ़ने से पहले शब्दार्थ को पढ़ेंगे बिफोर वी गो फॉर लेसन वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे हिंदी में शब्दार्थ बोलते हैं शब्द प्लस अर्थ क्या है शब्द मतलब वर्ड अर्थ मतलब मीनिंग ये दोनों को जोड़कर शब्दार्थ बनाया है वर्ड मीनिंग बोलते हैं इंग्लिश में सबसे पहले सुमन सुमन का मतलब होता है फूल फ्लावर ओके okay? फूल जो कॉमन है भ्रमर भौरा भी बोलते हैं ब्लैक बी ओके okay? बी तो जानते हैं बट दैट इज ब्लैक बी द वन ओके बड़ा सा ओके आ, ये भौरा जन्मे जिसको जन्म भी बोलते हैं बोन ऊर हृदय हर्ट ओके उसके बाद है धनी धनवान रिच ओके धनी का मतलब होता है रीच सुगंध जिसको हिंदी में खुशबू भी बोलते हैं परफ्यूम सेंट शोभा उसके शोभा का अर्थ है सुंदरता सुंदर ठीक है ब्यूटी श्रृंगार सजावट एडोनमेंट उपवन बगीचा बगान गार्डन पवन हवा एयर पवन मतलब है हवा एयर बोलते हैं उसके बाद है फिर गगन गगन का मतलब है आसमान आकाश भी बोलते हैं स्काई ओके उसके बाद है निर्धन निर्धन मतलब गरीब पुअर ओके जैसे यहाँ धनी रिच उसका ऑपोजिट गरीब पुअर जिसको निर्धन बोलते हैं ये रहा आपका वर्ड मीनिंग ये है आपका बगीचा उपवन इस कविता में वर्ड दिया है उपवन ठीक है उपवन इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने इस कविता के लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कविता का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के ओके हम एक बगान के एक उपवन के एक बगीचे के एक गार्डन के क्या है सुमन है सुमन मतलब फूल फ्लावर ओके इस गार्डन के हम सब सुमन एक उपवन के हम सब सुमन एक उपवन के हम सब हम मतलब वी सब मतलब ऑल वी ऑल आर अ फ्लावर ऑफ द गार्डन किस गार्डन की बात कर रहे हैं इस पृथ्वी को इस दुनिया को ओके इस दुनिया को या तो हो सकता है भारत ओके इंडिया के उपवन के उपवन मतलब गार्डन ओके उपवन मतलब बगीचा गार्डन कि क्या है हम सुमन है ओके क्या है हम सुमन है फ्लावर है हम ठीक है हम इस गार्डन के इस बगीचे के और आपके कविता में वर्ड दिया है उपवन के क्या है फूल है ओके एक हमारी धरती और ईश्वर ने हमें एक धरती बना कर दिया है गिवन अस वन अर्थ ओके धरती मतलब अर्थ सबकी है ये किसी एक की नहीं है ओके okay? किसी एक जाति की नहीं है ये सबके लिए ईश्वर ने हमें बना कर दिया है और एक धरती है क्या धरती है एक हमारी धरती वी हैव वन अर्थ ओके जिसकी मिट्टी में मिट्टी मतलब माटी ओके okay, मिट्टी में जन्मे हम हम लोग इस पृथ्वी में इस धरती में इस मिट्टी में जमीन में हम क्या हम लोगों ने क्या किया जन्म लिया वी आर बोर्न टेकन बर्थ ओके इन दिस अर्थ ओके मिली एक ही धूप जैसे एक धरती और फिर एक धूप धूप मतलब घाम सन ओके okay? हमें एक धूप हमें मिला है हमें उस धूप ईश्वर ने दिया है सबके लिए है जैसे पहले बताया किसी एक लोगों के लिए ये नहीं है सब के लिए पृथ्वी में जितने भी लोग रहते हैं भारत में जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए ईश्वर ने हमें धूप इस सन को भी इस घाम को भी ईश्वर ने दिया है सींचे गए एक जल से हम और फिर एक धरती एक धूप फिर एक जल और पानी भी सबके लिए ईश्वर ने एक दिया है जल जल मतलब पानी ओके जल मतलब पानी ओके पानी एक ही जल से हमें सींचा है इसी पानी डालकर इसी पानी को पीकर इसी पानी को डालकर हमें हम जिंदा है ठीक है तो एक धरती है एक धूप है एक जल एक पानी सबके लिए पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के और इसी धरती में हम झूल झूल कर हील हिल कर ओके झूल झूल कर हील हिल कर ओके पलनों में हम एक पवन के इसी धरती की एक हवा भी हमें मिली है एक पवन एक पवन हमें मिला है एक हवा हमें मिली है एक पवन पवन मतलब एयर और हवा भी ईश्वर ने हमें एक ही दिया है ठीक है रंग रंग के रूप हमारे रंग रंग मतलब कलरफुल के रूप ओके हमारे जो रूप है हमारा जो फिगर है हमारे जो स्ट्रक्चर है हम अलग अलग हैं रंग रंग के हैं इंसान दुनिया में एक ही नहीं है ना हम सब अलग अलग, अलग प्रकार के लोग हैं रंग रंग के हैं ओके तो अलग अलग, अलग प्रकार से ईश्वर ने हमें बनाया है अलग अलग है क्यारी क्यारी जैसे क्यारी की तरह जैसे फूल लगाते हैं ना किसी बगान में ओके उस क्यारी की तरह हम भी ईश्वर के बगान इस धरती में इस पृथ्वी में इस दुनिया में अलग अलग रंग के क्या है फूल हैं ठीक है ठीके? लेकिन हम सब से मिलकर तो हमें सब मिलकर ही इस दुनिया में सारे सब से मिलकर ही इस उपवन की सोबा सारी हमें मिलकर रहना चाहिए मिलकर मतलब वी हैव टू बी यूनाइटेड एक होकर रहना चाहिए और इस उपवन की शोभा सारी तभी इस उपवन उपवन मतलब क्या है गार्डन उपवन मतलब क्या है गार्डन की हम शोभा बनेंगे शोभा मतलब ब्यूटी सारी मतलब ऑल देन ओनली विल बिकम अ ब्यूटीफुल फ्लावर वी विल ओके डिस्प्ले द ब्यूटी हम उस ब्यूटी को, को, को दिखा सकेंगे उस शोभा को उस सुंदरता को दिखा सकेंगे ओके तो एक हमारा माली एक माली है वो ईश्वर है माली हमारा माली कौन है ईश्वर है गॉड है गॉड इज आवर गार्डनर ओके हम सब रहते नीचे एक गगन के और एक ही आसमान के नीचे गगन मतलब आकाश स्काई के नीचे रहते हम सब ठीक है सूरज एक हमारा फिर सूरज भी एक ही है सन ईश्वर ने सन भी एक ही दिया है हमें हमारा जिसकी किरणें किरणे मतलब क्या है रेस लाइट उसकी कली खिलाती ओके उस कली को खिलाती है उस फूल को ब्लूम करने में खिलाती है मतलब ब्लूम ब्लॉजम ना खिलने में जैसे फूल खिलने से सुंदर दिखाई देता है ना नहीं जब फूल उस कली को उस बर्ड्स को बर्ड्स बी ओडीएस बर्ड्स न कली ओके जब निकलता है तो जब खिलता है ब्लूम करता है तो कितना अच्छा दिखाई देता है ओके एक हमारा चांद चांदनी और हमारे लिए ईश्वर ने फिर एक चांद को दिया है चांद मतलब मून ओके एम ओ ओ एन मून चांद उसकी जो चांदनी है लाइटनिंग है ओके जिसकी हम सबको नहलाती और हमें नहलाती है ओके बाथिंग नहलाना मतलब बाथ बी ए टी एस बात जैसे रात को चांद जब चांदनी को बिखरता है ठीक है तो ऐसा लगता है कि वो सबको क्या कर रहा है स्नान करवा रहा है ठीक है मिले एक शौर और स्वर भी हमको एक ही दिया है ठीक है भ्रमरो भ्रमरो मतलब ब्लैक बी के मीठे गुंजन के कैसे जैसे ब्लैक बी जो बी जाकर फूल में बैठता है और वो आवाज देता है स्वर उस मीठे गुंजन उसका जो गुंजन है ओके उसका जो इको है मीठा जो आवाज है ठीक है ना उससे क्या करता है उस मिठास को और लाता है स्वीटनेस को ना उसी तरह हमें भी ईश्वर ने एक ही स्वर दिया है ठीक है एक ही बोली दी है ठीक है कांटों से मिलकर हाँ कांटा भी आ सकता है ओके कांटों से मिलकर हम सब ने कांटा फूल में कांटा भी रहता है कांटों मतलब थ्रोन्स ना भी मिलकर कांटा ना हंस हंस कर जीना सीखा कांटा भी आ सकता है लाइफ में ओके हमारे जीवन में कांटा आ सकता है ओके जैसे फूल में कांटा रहता है उस कांटों के बीच में भी वो फूल खिलता है है ना नी फूल निकलता है ओके कांटों के बीच में हंस हंस कर हमें भी जीना चाहिए जीना मतलब सरवाइव वी हैव टू सरवाइव वी हैव टू लीव ओके हैप्पीली एक सूत्र में बन कर हमने हार गले का बनना सीखा एक सूत्र में यूनाइटिंग टुगेदर हार गले का बनना सीखा ओके जैसे गला में हार पहनते हैं नी गला में जैसे नेकलेस को पहनते हैं उस गले में जो नेकलेस है गले में जो गार्डेंड है माला है है ना नहीं, उसको भी अलग अलग फूल से बनाया जाता है उसको जोड़कर, ओके उसी तरह इस दुनिया में भी हम अलग अलग लोग ओके इस भारत में इंडिया में भी अलग अलग लोग रहते हैं और उस गले की हार की तरह लाइक ओके नेकलेस ओके ऑफ दैट नेक न हमें भी बनना सीखा है हमें बनने के लिए वो सीखना चाहिए वी हैव टू लर्न सीख सबके लिए सुगंध हमारी और हमारी जो सुगंध है जैसे फूल से महक वो सुगंध खुशबू को खुशबू आता है उसी तरह हम श्रृंगार धनी निर्धन के और सबके लिए श्रृंगार उस ब्यूटी एडोनमेंट ओके श्रृंगार धनी के लिए भी हो सकता है धनी मतलब रिच निर्धन मतलब पुअर गरीब के लिए भी हो सकता है ठीक है हम सबके लिए हमें मदद करना चाहिए सबको ठीक है तो इस कविता के माध्यम से इस कविता के लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इस कविता के लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ठीक है कौन है लेखक राइटर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने हमें जैसे ईश्वर ने हमें एक बनाया है जैसे ईश्वर ने हमें क्या किया है इस धरती में रखा है एक धरती में रखा है एक धूप वन सन दिया है एक जल पानी भी एक ही दिया है एक पवन हवा भी एक ही दिया है है ना नी एयर ओके इस और इस दुनिया में इस धरती में ईश्वर ने रखा है हमें तो हमें जैसे फूल फ्लावर से क्या निकलता है सुगंध परफ्यूम सेंट निकलता है है ना नी और दूसरे को अट्रैक्ट करता है ओके अपने तरफ खींच खींचता है वो ओके अपने तरफ लाता है, है नहीं? हम जब फूल का जो सुगंध को जब हम आभास करते हैं ओके जब लेते हैं तभी हम उसके तरफ क्या होते हैं एट्रैक्ट होते हैं उसी तरह हमारे जीवन को देख कर भी लोग भी एट्रैक्ट होना चाहिए ठीक है तो हमें जैसे ईश्वर ने इस दुनिया में रखा है तो हमें एक होकर मिलजुल कर रहना चाहिए जैसे यहाँ पर बोला है लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन उपवन मतलब इस बगीचा बगान की शोभा है हम सारे ठीक है ना तो इस कविता के माध्यम से हमें द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने यह संदेश दिया है ठीक है कि हम इस धरती इस पृथ्वी के इस पृथ्वी के जो उपवन है गार्डन है इस पृथ्वी दुनिया हम इसके फूल हैं वी आर द फ्लावर एंड ओके इस फ्लावर को इस गार्डन को देखने वाला माली ओके okay, इस गार्डन को देखने वाला माली जो है ओके okay, कौन है एक हमारा माली हम सब ईश्वर है ईश्वर ने हमें रखा है हमें कैसे रहना चाहिए हमें स्वर अच्छा ओके हमारा जो बोली है हमारे आवाज़ है हमारा जो शब्द है वर्ड है वो भी अच्छा होना चाहिए खराब नहीं बोलना चाहिए ठीक है हमें अच्छा बोलना चाहिए ठीक है ना और कांटा भी आ सकता है पर हमें एक दूसरे की सुरक्षा भी करना चाहिए ठीक है और हंस हंस कर जीना चाहिए और इस फूल का जो सुगंध है किसके लिए सबके लिए धनी के लिए, लिए? लिए? रिच के लिए भी है निर्धन गरीब के लिए भी है ये सब हमें भी इस तरह सबके लिए हमें भी सहायता करनी चाहिए ओके एक्सरसाइज में जाएंगे बोध और विचार परसेप्शन एंड थॉट निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए ओके यू कैन गेट दिस वन इन पेज नंबर ओके पेज नंबर टू ओके आपको पेज नंबर टू में ये मिलेगा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए राइट ओके एंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन हम सब सुमन एक उपवन के से कवि का क्या तात्पर्य तात्पर्य मतलब मीनिंग वो क्या कहना चाहते हैं व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड दिस पोएम हम सब सुमन एक उपवन के हम सब सुमन एक उपवन के से कवि का कहना है कि हम सब ईश्वर के बगीचे के फूल हैं ओके okay? हम ईश्वर के बगीचे के फूल फ्लावर हैं बगीचे और फूल की क्या विशेषताएं? स्पेशलिटी क्या है बगीचे और फूल की बगीचे फूलों को संजोता है रखता है और फूल सबको सुगंध परफ्यूम देता है फूलों की सुगंध किन किन के लिए फूल का जो सुगंध है परफ्यूम है फूल का जो ओके जो परफ्यूम है खुशबू है किस किस के लिए फूलों की सुगंध सबके लिए धनी के लिए भी निर्धन के लिए भी हम सब सुमन एक उपवन के कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश संदेश मतलब मैसेज देना चाहते हैं व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम हम सब सुमन एक उपवन के इसका उत्तर है हम सब सुमन एक उपवन के कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि हम सब ईश्वर के फूल रूपी इंसान हैं हमें सबको सुगंधित करना चाहिए हमें सबको हम फूल हैं तो दूसरों को सुगंधित उस परफ्यूम को बांटना चाहिए ठीक है नंबर फाइव किसके मीठे गुंजन के स्वर हमको मिलते हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के स्वर हमको मिलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ओके okay? ये रिक्त स्थानों की क्या कीजिए इस पूर्ति कीजिए फिल इन द ब्लैंक्स नंबर वन एक हमारी क्या होगा यहां आप अपने पोएम में देख सकते हैं यू कैन सी इन योर पोएम एक हमारी धरती सबकी क्या होगा यहाँ धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जिसकी मिट्टी में क्या यहाँ पर क्या होगा जिसकी मिट्टी में जन्मे हम जन्मे हम ओके एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम पले हुए हैं पले हुए हैं झूल झूल कर क्या है पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के एक हवा के पवन के ओके एक हमारा माली हम सब यहां पर होगा माली नीचे रहते एक गगन के नीचे रहते एक गगन के ओके नीचे रहते एक गगन के सूरज यहाँ क्या होगा नंबर फोर में सूरज एक हमारा जिसकी ओके सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती ओके ओके किरणे ऊर की कली खिलाती सबके लिए ओके सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी ओके निर्धन के तो ये अपने पोएम से देखकर आप लिख लीजिए वचन बदलिए चेंज द नंबर ओके सिंगुलर टू प्लूरल इफ इट इज इन प्लूरल टू सिंगुलर ओके वचन वचन मतलब क्या है नंबर है ओके सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बता रहा है एक बचन बहुवचन के बारे में क्यारी है क्यारिया किरण है किरणे कली है कलिया स्वर है स्वरों कांटो सूत्र है सूत्रो सुत्र तो इस तरह से इस तरफ का जो है एक बचन ओके सिंगुलर फॉर्म में दिया है और इस तरफ है प्लुरल फॉर्म में दिया है ठीक है ना आंसर जो है क्यारी सिंगुलर है एक बचन है तो इसको बहुवचन बनाए प्लूरल क्यारिया किरण सिंगुलर है एक बचन किरणे प्लूरल है कली कलिया स्वर स्वरों, कांटा कांटो सूत्र सूत्रो ठीक है तो ये है निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए राइट वन वर्ड फॉर दिस सेंटेंस ओके संसार को प्रकाश प्रकाश मतलब लाइट देने वाला संसार को लाइट देने वाला कौन है प्रकाश देने वाला सूरज यस इसका उत्तर है सूरज सन जो रात में प्रकाश देता है रात में लाइट देता है कौन चांद मून है यस जो बगीचे की देखभाल करता है जो बगीचे गार्डन को की देखभाल जो तो टेक केयर करता है उस कौन है माली गार्डनर है ओके जो सबको सुगंध परफ्यूम खुशबू देता है वो फूल है फूल से क्या सुगंध आता है परफ्यूम आता है ठीक है जो सबकी प्यास थ्रस्ट ओके बुझाता है क्या पीने से हमारा प्यास बुझता है वो है पानी वाटर ठीक है तो निम्न वाक्यांश के लिए एक सब आपका होमवर्क असाइनमेंट ओके दिस इज योर होमवर्क असाइनमेंट गार्डन सो व्हाट यू हैव टू डू पहले इस कविता को याद कीजिए कौन सा कविता हम सब सुमन एक उपवन के इस कविता को याद कीजिए मेमोराइज दिस पोएम हम सब सुमन एक उपवन के नंबर वन ओके नंबर टू बगीचे का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए ड्रॉ अ गार्डन ओके ड्रॉ अ गार्डन फ्लावर गार्डन एंड व्हाट यू हैव टू डू उसमें रंग रंग मतलब कलर भरिए देन कलर इट ओके जैसे ये गार्डन है ओके okay? जैसे कलरफुल गार्डन है इस तरह से आप इस गार्डन को बना सकते हैं ठीक है तो ये आपका होमवर्क है ओके थैंक यू फॉर लिसनिंग ओके डू योर लेसन्स एंड स्टडी वेल, थैंक यू